पटना में आज से जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जबकि रविवार को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में खुला अधिवेशन होने जा रहा है। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक 4 बजे जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार में होगी और इस बैठक में ललन सिंह को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो घोषणा है वो की जाएगी और उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जबकि 11 दिसंबर को एसके मेमोरियल हॉल में जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी राज्य के प्रतिनिधि भाग लेंगे और इस खुले अधिवेशन में राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और सूत्रों के अनुसार जेडीयू के खुले अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा के साथ सीएम नीतीश कुमार की ओर से किए गए कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। नहीं, नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। 1700 वोट कुर्नी में 2400 वोट, मार्जिन बहुत कम है। निश्चित तौर पर कहने के लगता मार्जिन बहुत कम है। मार्जिन बहुत कम है। कुछ हम लोगों को जो हम लोग घूम रहे थे, बाद में लगा कि पंचायत स्तर के राजनीति में भी जो हमारे प्रत्याशी थे उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था, उस सब भी फैक्टर रहा होगा। अन्य कुछ फैक्टर आ रहा है। पार्टी निश्चित रूप से डिटेल विश्लेषण करेगी जो क्या कमी रह गई, क्या बात रह गई, और अगर जो भी बात है उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इतना मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, 2024 में पूरा बिहार हम लोग स्वीप करेंगे। वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इतनी बड़ी ताकत है बीजेपी। अरे विकल्प आ जाता है ना भाई, JP1 हुआ, JP2 नहीं होगा। देखे इस समय तो बता दें आपको कि पटना में आज से जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी, जबकि रविवार को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में खुला अधिवेशन होने जा रहा है। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना जेडीयू कार्यालय से हमारे संवाददाता बरगोबालम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बरगोबालम का। मरगोब, आज जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, ऐसे में इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए रश्मि, यह पहली तस्वीर है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की जो हम कशिश न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपेंद्र कुशवाहा, केसी त्यागी के साथ साथ सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं और राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं और बैठक शुरू हो गई है। सबसे बड़ी खबर है राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक शुरू हो गई है। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जनता दल यू ऑफिस से। बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में शुरू हो गई है रश्मि, और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बैठक में कई मुद्दे होंगे। बैठक में जो मुद्दे आ रहे हैं वो मुद्दे यह हैं कि राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा हो जाएगी, और चर्चा होने के बाद उन सभी मुद्दों को फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लाया जाएगा और वहां उसे पारित कर दिया जाएगा। और उन सभी मुद्दे की जानकारी फिलहाल खुले अधिवेशन में सभी प्रतिनिधियों को दी जाएगी। तो ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की, ये पहली तस्वीर कशिश न्यूज पे थी। और ये बैठक शुरू हो गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में, अध्यक्षता कर रहे हैं ललन सिंह, और इस बैठक में कई मुद्दे आ रहे हैं। वो मुद्दे राज्य स्तर के हैं, वो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं,
कुर्नी उपचुनाव में इतने कम मार्जिन से किस तरीके से पार्टी की हार हुई है उस पर भी चर्चा होगी। और अभी जो फैसला होगा, इन फैसलों को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रखा जाएगा, उसके बाद फिर वहां प्रस्ताव पारित होगा और फिर पूरे मामले की जानकारी कल खुले अधिवेशन में एसके मेमोरियल हॉल में जो होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी मौजूद होंगे, वहां उन पूरे प्रस्ताव की जानकारी दी जाएगी और वहां कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।